गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, जरा इन पिक्चर्स को देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये पिक्चर्स कहाँ की हैं। यस, आप में से कुछ बच्चे रॉक गार्डन तो जरूर गए होंगे और वहाँ पे आपने लाफिंग मिरर्स भी देखे होंगे। इन मिरर्स में हमारे जो इमेजेस दिखते हैं उनको देखकर हमें अपने आप हंसी आ जाती है। यस चिल्ड्रन, ये मिरर्स कई बार हमारे बहुत लंबे इमेजेस देते हैं तो कई बार बहुत ही छोटा हमें बना के दिखाते हैं, और तो और कई बार ये हमें इन्वर्टेड पोजीशन में, यानी हमारा हेड नीचे की तरफ और लेग्स अपवर्ड डायरेक्शन में भी दिखाते हैं। तो आइए आज की वीडियो में इन्हीं मिरर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक हमारा आ रहा है स्फेरिकल मिरर्स और उनके हम टाइप्स देखेंगे। उसके बाद इस वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, उनके बारे में जानेंगे। और फिर हम ये जानेंगे कि ये जो इमेजेस हमारे बन रहे हैं, कई बार मोटे लंबे ऊंचे उल्टे सीधे, तो इनको बनाने के लिए कौन कौन से रूल्स लागू होते हैं उनके बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ स्फेरिकल मिरर्स। ये देखिए चिल्ड्रन, मेरे पास ये दोनों स्फेरिकल मिरर्स हैं। एक है इसमें कनकेव और दूसरा है कन्वेक्स। एक साइड इनकी शाइनी है तो इनके बैक साइड पॉलिश्ड है। अब हम इनका नाम स्फेरिकल क्यों रखा, क्योंकि चिल्ड्रन ये दोनों एक स्फेयर का पार्ट होते हैं। आइए मैं बताती हूँ कि कैसे इन मिरर्स को बनाया जाता है। ये एक स्फेयर है, राइट? इसका एक पीस ये कट कर लिया और एक ये कट कर लिया। इस वाले पीस को क्या किया बच्चों, जो इसकी जो ये कर्व्ड सरफेस है, जो इनवर्ट डायरेक्शन में कर्व दिख रही है, इसको शाइनी रहने दिया और जो ये वाली उभार वाली जो कर्व्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है इसके ऊपर पॉलिश कर दी, तो ये बन गया हमारा कंकेव मिरर, राइट? यानी और हाथ से भी हम इस तरीके से देख सकते हैं, तो जो शाइनी सरफेस कर्व्ड इनवर्ट डायरेक्शन में जिस मिरर की होती है उसको हम बोलते हैं कंकेव मिरर। और मान ये वाला जो पीस हमने कट किया है, ये कट किया और जो इसकी इनवर्ट डायरेक्शन है वहां पे कर दी है पॉलिश, तो इसकी जो शाइनी सरफेस है ये वाली रह गई है, इसको हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर, राइट? तो आई थिंक स्फेरिकल क्यों है, बिकॉज बोथ मिरर्स आर द पार्ट ऑफ ए स्फीयर। टाइप्स भी आपको क्लियर हो गई, कितने टाइप्स के हैं ये मिरर? टू टाइप्स के, कंकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड कंकेव, एंड हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। दोनों मिरर्स क्लियर होने के बाद में इन मिरर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है हम उनके ऊपर फोकस करें। नाउ दिस एंड स्टडीड सब इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आर रिलेटेड टू दीज मिरर्स, बिकॉज टू अंडरस्टैंड द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज मिरर्स वी शुड रिकॉग्नाइज ऑल दीज टर्म्स। सो वी हैव सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द सिंबल ऑफ दिस टर्म इज कैपिटल सी। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिंबल ऑफ दिस टर्म इज कैपिटल आर। पोल इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। प्रिंसिपल एक्सिस का कोई सिंबल नहीं है एंड प्रिंसिपल फोकस का है कैपिटल एफ। फोकल लेंथ स्मॉल एफ एंड अपर्चर जो पीस आपने स्फीयर का कट किया है दैट इज कॉल्ड अपर्चर। तो ये सेवन मेन टर्म्स हैं जो अगर आपने अच्छे से समझ ली हैं तो इन मिरर से रिलेटेड जितने भी आगे स्टडी करेंगे वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, राइट? तो अब देखिए इस स्फीयर को अच्छे से समझिए आप एक बार। ये इसका सेंटर है, एक पीस हमने यहां से कट किया है, एक यहां से कट किया।
वाले पीस का क्या किया, ये कट किया और पॉलिश कर दी आउटवर्ड डायरेक्शन में। पार्ट किसका है ये, इस स्फीयर का, राइट। तो जो इस स्फीयर का सेंटर है वो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को फेस कर रहा है, ठीक है। दूसरा ये वाला जो सरफेस हमने कट किया था ऐसे, ये वाला पीस काटा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर हो गया इसका, पॉलिश्ड सरफेस को फेस कर रहा है, बैक साइड में आ रहा है, ये इसके सामने फेसिंग है और ये इसके बैक साइड में है। अब आप जानिए पहले टर्म जो मैंने आपको बताई थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ ए स्फीयर फ्रॉम विच वी ऑब्टेंड दिस मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर। एंड सेकेंड टर्म मैंने क्या बताई थी आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस सेंटर से आप कहीं पे भी कोई भी लाइन सेगमेंट खींचेंगे वो क्या हो जाएगी, उसकी रेडियस। लेकिन अगर हम मिरर्स के साथ देखें तो मिरर के सेंटर पॉइंट पे जो पीस आपने कट किया है उसका जो सेंटर है उससे आप इसको ज्वाइंट करेंगे। सो दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पे कोई सी भी आप ले सकते हैं, इसको आप रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, एंड इसका सिंबल क्या है, कैपिटल सी। एंड दिस लाइन सेगमेंट, अनदर नेम फॉर दिस लाइन सेगमेंट इज प्रिंसिपल एक्सिस। एक्चुअल में है क्या, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है, तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। एंड द सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पी पोल, ठीक है। ऐसे अब इसमें देख लीजिए आप, इसका सेंटर पी है और ये लाइन सेगमेंट क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस और रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड दिस इज द सी आर। यहां तक आई थिंक दोनों बात क्लियर हो गई होंगी। अब हम जो इनका प्रिंसिपल फोकस है उसको जानने के लिए सन का रियल इमेज बना के देखें। स्टूडेंट्स, अब हम स्क्रीन पे सन का रियल इमेज लेने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे इस टेबल पे मैंने स्वीट रखी हुई है और ये इंच टेप रखा हुआ है फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए, राइट। अब मैं इस स्क्रीन को मिरर के पास लेके आ रही हूँ। अब देखिए अलग अलग टाइप का इमेज आपको दिखाई दे रहा है और जहाँ हमें पॉइंट साइज इमेज मिलेगा, यस दिस इज द पॉइंट साइज इमेज ऑफ सन। अब यहाँ पे इंच टेप से हम अप्रोक्सीमेटली निकालेंगे। ये जो स्क्रीन है ये मैंने 20 सेंटीमीटर पे रखी हुई है और जो मेरे हाथ में मिरर है ये 5 सेंटीमीटर के नियर अबाउट लोकेट कर रहा है। इट मीन्स फोकल लेंथ हाई है, दैट इज द 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हाई है, दैट इज द 15 सेंटीमीटर। पास है कन्वेक्स मिरर, देखते हैं कि क्या कन्वेक्स मिरर जिसका कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कर्व्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये देखिए, ये इमेज नहीं बन रही है सन की, ऑल दीज आर द रिफ्लेक्टेड रेज। और अगर हम इसके अंदर की तरफ देखेंगे इरेक्ट इमेज दिखाई देगा। हमने देखा कि सन का रियल इमेज इस कनकेव मिरर, ये कौन सा मिरर है हमारा, कनकेव मिरर, इससे स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेंड कर सकते हैं। और जहां सन का शार्प इमेज बना था ये यहां, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। अब ये कैसे बना है अभी बताती हूं मैं आपको। तो इसमें हमने क्या देखा कि मिरर के पीछे यानी मिरर के अंदर सन का इमेज दिख रहा था जिसको हम स्क्रीन पे नहीं ले पा रहे थे। तो ये क्या हो गया है, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, राइट। अब एक बार जरा रे डायग्राम से देख भी लें कि ये कैसे बना, कैसे इकट्ठा हुआ था। जो रे ऑफ लाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी वो यहां जाके मीट हो गई, लेकिन इस मिरर में थोड़ा उल्टा होता है। प्रिंसिपल एक्सिस को और आगे एक्सटेंड कीजिए, ये आई पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन स्प्रेड हो गई। और जब हम इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में रेज करते हैं, देन दे अपीयर टू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल, दे आर अपीयर टू कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड
प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने प्लेन मिरर में कर लिए थे, सेम वही लॉज स्फेरिकल मिरर्स में भी अप्लीकेबल होते हैं। और इस मिरर में हम जानेंगे कि टू रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे इमेज फॉर्म होएगा। तो ये फोर टाइप से रेज को हम इंसिडेंट कराएंगे दोनों मिरर्स पे और देखेंगे कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से होके पास होती हैं। आइए तो फर्स्ट रे हम देख रहे हैं। फर्स्ट, इफ द रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन द कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। सी चिल्ड्रन, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस में से होके पास हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ फॉलो हो रहा है। राइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन सेगमेंट को आप ड्रॉ करेंगे और ये वाला एंगल आपका इंसिडेंट एंगल है एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन सेगमेंट आके मिरर्स के किसी भी सरफेस पे टच होती है, उसके ऊपर स्ट्राइक करती है, तो वो एज ए नॉर्मली बिहेव करेगी। अब जैसे मान लो इस प्रिंसिपल एक्सिस से भी आ रही है तो ये भी एज ए नॉर्मल ही बिहेव करेगी। आई थिंक ये बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है फॉलो हो रही है। अब देखते हैं कि कन्वेक्स मिरर में भी फॉलो हो रहा है कि नहीं। यस, जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, कनकेव मिरर की नेचर है कन्वर्स करना, कन्वेक्स की नेचर है डाइवर्स, तो ये क्या करेगी रिफ्लेक्शन के बाद में डाइवर्ट कर दिया। बट ये कहां से राइज होती हुई डाइवर्स होती हुई अपीयर होती है फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस अब हमें क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल इन दोनों रेस के बीच में। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम निकालेंगे इसको, डायरेक्ट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। यस, सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट में देखिए कि जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के वो प्रिंसिपल फोकस में से होके पास हो रही है। अब अगर मान लो कोई रे प्रिंसिपल फोकस में से होके स्ट्राइक कर रही है, इफ द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो प्रिंसिपल फोकस में से होकर इंसिडेंट हो रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अब इसका भी हम इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल देखेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, हियर इट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ कन्वेक्स मिरर के केस में देखिए, प्रिंसिपल फोकस अब चूंकि राइट साइड है तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे इधर कि ये प्रिंसिपल फोकस की तरफ जा रही है। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ, ये इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये नॉर्मली डायरेक्ट इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, ये देखिए ये वाला एंगल बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोनों रेस का क्लियर हो गया। अब इनमें से कोई भी दो रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट कर देती हैं, जैसे ये वाली गई है रिफ्लेक्टेड रे है, इधर की ये है, तो आगे हम इमेज फॉर्मेशन में आपको बताएंगे कि किस तरीके से इमेज बनता है। कोई भी दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे इमेज बन जाएगी। अब थर्ड, किस टाइप से रे इसके ऊपर इंसिडेंट हो सकती है, ये दोनों क्लियर हो गए होंगे। थर्ड टाइप देखिए, अगर कोई रे इधर से आ रही सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई इस सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी चिल्ड्रन, सेम पाथ पे। इफ द रे ऑफ लाइट कमिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर स्ट्राइक ऑन द शाइनी सरफेस ऑफ कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बाउंसिंग बैक ऑन द सेम पाथ बाय चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। राइट, तो अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट था वो कितना हो गया 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो गया 90 डिग्री। क्लियर हो गया। ओके, तो इस जगह पे भी आपने देखा जो प्लेन मिरर में हमने बताया था आपको कि ये प्लेन मिरर है, अगर नॉर्मली कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है तो सेम पाथ पे चली जाती है। इसमें भी देखिए आप,
सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अगर हम इसको इंसिडेंट करा रहे हैं तो सेम पाथ पे वापस चली जाएगी, राइट। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो ये नॉर्मल है ही है, इसके बारे में अब आपको अच्छे से पता लग गया। तो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जितने डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है इतने ही डिग्री का एंगल ये बन जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम केस कन्वेक्स मिरर के साथ होएगा, क्या ये पोल है, यहाँ पे रे ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सिर्फ ये वाला जो रेज है ये बिल्कुल सेम बनेंगे, ये ध्यान रखना है, बाकी में यहाँ पे हम ये सारी इमेजिनरी ड्रॉ करते हैं। तो ये चार जो रूल हैं, इंपॉर्टेंट रूल इमेज फॉर्मेशन के लिए, इनमें से कोई भी दो रेज आपको दे दी जाती है और उससे हम इमेज बना सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।